वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जय श्याराम जय श्री राधे सब जनाला। तो आज 22 अगस्त तो मैं जा रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ कॉलेज जाने के लिए गाइस। तो मेरे लिए काफी स्पेशल डे है कल 23 अगस्त। काफी स्पेशल डे बोलने से आप लोगों को मालूम हो ही होगा कि मैं क्या बात मतलब बोलने जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो कुछ है, मेरा स्पेशल डे है कल, ठीक है। तो कुछ मौसम अभी ऐसा है, थोड़ा गर्मी है। वाह क्या मस्त व्यू आ रहा है यार, ये क्लाउड ना और ये बादल मतलब क्या ही सुंदर लगता है यार, बीच बीच में जो गच्ची, हाय हाय। तो चलो अभी कॉलेज के लिए निकलते हैं, कॉलेज जाते हैं, आज क्लास वगैरह करते हैं। तो कल भी मैं कॉलेज तो गया था लेकिन थोड़ा तबीयत मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था बॉडी को, इसलिए मैंने ब्लॉगिंग नहीं किया। तो गाइस चलो चलते हैं, और कल मेरा स्पेशल डे है और ये कल के दिन ब्लॉग अपलोड होगा गाइस। क्या है मैं बाद में बोलूँगा, आप लोगों को तो मालूम हो ही गया स्पेशल डे का मतलब क्या है। तो वही चलो, तो बाइक है यहाँ पे, बाइक को निकालते हैं। शायद बाइक में तेल भी नहीं है, और एक बाइक का ना एक चीज़ ख़राब होकर रखा है, ये मोड़गाट, ये अभी थोड़ा पापा ने कुछ किया होगा इसीलिए। और यहाँ से ना गाइस पूरा तेल निकल रहा है, ये कल दिखाया था तो बोला कि अंदर ये मतलब ये चीज़ का अंदर में ना कुछ मतलब होता है तो फट गया अंदर, तो इसको चेंज करना पड़ेगा और इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये मतलब हिल रहा था, पूरा चक्का में लग रहा था तो टायर में, तो अभी तो बस थोड़ा बना हुआ है, कोई नहीं। तो चलो निकलते हैं, तो ये इसको बनाने में कितना लगेगा मालूम नहीं। पहले गाइस मेरा यहाँ पे यूट्यूब का नेम लिखे रखा था, जब मेरा पहला नाम था आसाम बॉय ब्लॉग एंड म्यूजिक था, तब मैं ब्लॉग भी करता था और म्यूजिक भी करता था मतलब, तो इसीलिए मेरा यूट्यूब का लोगो तो रह गया यहाँ पे, लेकिन ये हटा दिया क्योंकि मैंने अपना नाम चेंज किया ना, इसीलिए ये भी हटा दिया। तो चलो फिलहाल अभी बाइक को निकालते हैं। तो गाइस बाइक को निकाल लिया, अभी देखो पेट्रोल है 1.5 लीटर। तो हमेशा जब भी मैं कॉलेज जाता हूँ तो 1.5 लीटर का पेट्रोल तो चाहिए होता है हर दिन गाइस। तो सोचो, ये फ़ोन पकड़ो तो मुझे दिखाओ, तो एक भाई आ गया, अच्छा है। तो हर दिन 50 का लॉस लॉस क्या बोलो यार, खुद का प्रॉफिट के लिए तो जा रहा हूँ मैं। ये गाइस भरा लिया पेट्रोल, तो अभी निकलते हैं गाइस। तो क्या करें मतलब क्या करें कि हर दिन तो डालना ही पड़ेगा 50 रुपीज़ का तेल, कोई नहीं, खुद का प्रॉफिट के लिए है। तो हमको जाके वहाँ पर एडुकेशन पढ़ाई, एडुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, तो सब कुछ करने से भी एडुकेशन को नहीं छोड़ना है। उंगली क्यों कैमरा में लगा रहा है तू, ये बच्चा लोग को कैमरा करना भी नहीं आता है। दो भाई क्या नाम है, सिमल छत्री, गुड। स्कूल नहीं जाएगा आज, जाएगा ठीक है। तो चलो मैं निकलता हूँ ना, हम नहीं हो गया होगा, बाय 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 बाय। जाएगा क्या मेरा, मैंने ओके ओके तुम पीछे पीछे आओ, दौड़ दौड़ नहीं होगा ना ऐसे, नहीं होगा। तो चलो यार निकलते हैं, आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, दोस्त वेट कर रहा हूँ हमें। तो मेरा घर से आगे का कुछ ऐसा हो लिया है, आप लोग देख सकते हैं, इधर में है टेंपल, शिव मंदिर जो बन रहा है, बनेगा धीरे धीरे। इधर आओ इधर, और ये श्यामल भाई है जो हम लोग आके बाद में क्या खेलेंगे, कैरम खेलेंगे, पूरा मैदा हो गया तेरा बर्तन, हम कॉलेज में क्लास करके आता है ठीक है। तो चलो गाइस मिलते हैं अभी थोड़ा देर बाद में। वो कल मेरा क्या है पता है, क्या बर्थडे, हाँ बर्थडे पता है तुमको, गुड। तो गाइस फाइनली मैं कॉलेज पे आया, चलो भाग गया कोई ना, भागा ना भाई, तो कॉलेज पे आ पहुँच गया हूँ मैं। तो दिगंता भाई थोड़ा डर गया, वो दिगंता डर गई। तो गाइस मैं भी सोनकुल का बाइक में बैठ रहा हूँ, हम लोग का उधर में क्लास हो रहा है, मतलब अभी 10 मिनट ही है बाकी, तो जाके कुछ क्या ही करूँगा। तो मैं अभी दिगंता और क्या बोलता है इसका ना बाइक का ये पंप खोल देने वाला हूँ, तो पंचर करूँगा सोनकुल भाई का, ऐसा नहीं करूँगा, बस मैं सोनकुल को जाके बोलूँगा तेरा बाइक का मैंने पंप खोल दिया है, तो वो उसका रिएक्शन कैसा होता है वो देखूँगा गाइस। सोनकुल का बाइक मतलब एक प्रैंक करेगा, हम सोनकुल को बोलेगा कि सोनकुल का बाइक का हम मतलब वो पंप खोल देगा, खोल दिया बोलेगा क्या उसका रिएक्शन कैसा होता है। सच में नहीं तेरा खोल दूँ क्या, मेरा कम ही है थोड़ा खोल देगा तो नुकुल हाँ इसका खुद का मेरा बेचारा ग्लैमर का क्या खोलूँगा। सोनकुल तेरा बाइक का मैंने हवा खोल दिया, खराब मत हो नहीं यूट्यूब के लिए, बस विश्वास ना कर, सच्ची में हवा खोल दिया, खराब मत पाओ। और तुम छो ना कोई दूसरी विश्वास को आना, आधा खुली छू मैंने पूरा खुला के लिए, पम नहीं है लेकिन आओ देखो
रोदे एक विश्वास को आने ओ भाई थैंक यू ले बर्थडे के दिन ही आप लोग ढोला ना थैंक यू हां कल मस्त ब्लॉग आने वाला सब हां ठीक है फुल पार्टी करेंगे गाइस फाइनली मैं कॉलेज से निकल रहा हूं घर की तरफ गाइस देखिए काफी सुंदर मौसम हो के रखा है पूरा गर्मी भी है लेकिन क्या बोलो और अच्छा लग रहा है आज तीन क्लास कर लिया हमने डायरेक्ट क्लास के अंदर घुसा डायरेक्ट लगातार तीन क्लास हो गया तो मैं ब्लॉगिंग करने का मौका ही नहीं मिला दोस्त लोग भी सब चले गए तो वही तो गाइस मतलब अभी घर जा रहे हैं यहाँ से काफ़ी यहाँ से 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेरा घर तक तो दोस्त बाइक चलाते हुए ग्लेमा लॉर्ड ओके काफ़ी अच्छा मौसम है ये घसना काफ़ी बड़ा था लेकिन काट के अभी छोटा काफ़ी बड़ा था आज का मौसम बड़ा सुहाना है ऐसा लग रहा है कि देखते ही रहो इन बादलों को मैं आय हाय क्या मस्त व्यू है बादलों में ऊपर भी रोड नीचे भी रोड रोड ही रोड बाईपास ऊपर का बाईपास ये हाईवे मेन हाईवे का हालत बहुत खराब है लेकिन मेन हाईवे तो गाइस कल है मेरा बर्थडे कल सुबह मैं जाऊंगा टेंपल पे मंदिर पे और पूजा वूजा करूंगा गाइस कल क्या कुछ करता हूँ बस आप लोग बने रहना वीडियो पे और ये ब्लॉग अपलोड हो रहा है मेरा बर्थडे के दिन तो आप लोग अगर विश करना चाहते हैं तो मुझे विश कर देना हैप्पी बर्थडे बोल के हैप्पी बर्थडे पंकज भाई बोलना ठीक है ताकि मुझे अच्छा लगे हैप्पी बर्थडे पंकज भाई बोलना और वही कल मतलब मंदिर जाऊँगा कुछ खिलाऊँगा दोस्त लोगों को भी और रोड में अगर कोई कुछ मिलता है जैसे कि जानवर को वो लोग को बिस्कुट वगैरह खिलाऊँगा गाइस तो जल्दी जल्दी सुबह सुबह जाना होगा क्योंकि कल दोस्त लोग भी आएंगे पार्टी खिलाओ बोला है तो क्या क्या होता है क्या नहीं होता है बस आप लोग देखना कहाँ पे जाएंगे हम लोग प्लेस क्या होगा कल भी मौसम ऐसा ही कुछ हो ताकि मतलब काफ़ी भरपूर से हम इंजॉय कर पाए नहीं तो बारिश आ गया तो ख़त्म होगा बर्बाद होगा तो गाइस उधर इतना धूप है इधर फिर से देखिए ना गाइस पूरा मौसम धुंधला हो गया फिर ए बादल ए बादल गाइस यहाँ पे वॉलीबॉल खेलते थे लेकिन अभी पूरा पानी भर चुका है अभी स्विमिंग पूल हो गया है हमें नेचुरल स्विमिंग पूल तो वही देखिए ना ये थोड़ा बीच में पूरा छांव है मतलब बादल की वजह से ये देखिए उस तरफ पूरा फिर से धूप है थोड़ा आगे में मतलब ये प्रकृति भी क्या है यार प्रकृति सुंदर है भगवान ने जो बनाया हुआ है ना प्रकृति काफ़ी सुंदर होता है नहीं नहीं दोस्त बोल रहा है उसका घर तक छोड़ना है लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे थोड़ा आगे घुस सकता है कोई नहीं तो गाइस मैं फाइनली घर आ पहुँच के अभी 4 बज गया है तो गाइस यहाँ पे देखिए कितना सुंदर व्यू हो रहा है यहाँ पे मैं क्यों आया गाइस पता है ये प्लेस पे यहाँ पे मैं मतलब कुछ रील्स वगैरह बना रहा था तो आप लोग जाके देख लेना मेरा इंस्टाग्राम पे भाई वीडियो बनाया हुआ है रील्स क्योंकि वहाँ से ना अभी धूप सनसेट होने वाला है उस साइड में तो उस धूप का रोशनी आता है इधर तो मतलब क्या होता है कि सन का रोशनी के वजह से कैमरा क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है थोड़ा मतलब इसलिए बस मैं यहाँ पे आया सब गाइस तो काफ़ी दिन हो गया था मैंने गिटार के साथ कुछ गाना वगैरह ब्लॉग पे नहीं डाला था तो गाइस अभी मैं ब्लॉग को एंड करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ भी कॉन्टेंट नहीं है गाइस क्योंकि कॉलेज से आते आते थोड़ा लेट हो गया जब से मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ है तब से मतलब कहीं पर जा भी नहीं पा रहा हूँ कुछ कर भी नहीं क्योंकि क्लास इज इम्पोर्टेंट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट यार क्लास तो करना ही पड़ेगा नहीं तो अटक जाएगा गाइस तो जिसने भी मेरा बर्थडे विशेस किया काफ़ी थैंक यू आप लोगों को दिल से थैंक यू सो मच तो ये ब्लॉग अपलोड हो रहा है आज 23 अगस्त के दिन जिस दिन मैं ब्लॉगिंग कर रहा है 22 अगस्त है लेकिन आप लोग जिस दिन देख रहा है वो दिन तो 23 अगस्त है मतलब मेरा बर्थडे के दिन तो थैंक यू सो मच आप लोग ने इतना मुझे सपोर्ट किया वो किया क्या क्या किया यार किया जो किया प्यार किया रे प्यार गाइस अभी एक दो गाना गा के मैं ब्लॉग को एंड करना चाहता हूँ बंधन के बटोलावण के चन्ना वे बिच पिपल पतिया बाई चूड़ा कन के बंधन के मुनियाराया बटोलावण के चन्ना वे बिच पिपल पतिया बाई चूड़ा कन के मेरे सोनिया सोनिया बेमाई मेरा कितना याद लगना खड़ा हूँ आज भी वही लगी तेरी रात दिन नजरों में तुम हो बसे कहते
सार मानो मुझको बनाया थे वैसे ही किसके लिए कुछ तो तुझसे बता आँखों में तेरी अजब सी अजब सी अदाएं हो री चिड़िया नन्हे सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रही। तो गाइस आज का ब्लॉग बस मैं यहीं पे एंड करना चाहता हूँ, कहा कि आप लोगों को मैंने बताया कि आज कुछ कंटेंट नहीं था, मतलब डायरेक्ट कॉलेज से आया था, लेट हो गया। तो अभी मैं भाई लोगों में कैरम खेलने जा रहा हूँ, कैरम टाइम पास करने के लिए, क्योंकि काफ़ी घर पे बैठे और मोबाइल देखना भी अच्छी बात नहीं है। तो गाइस कल तो मतलब आज जो देख रहे हैं इसी दिन मेरा बर्थडे है, तो थैंक यू सो मच सभी को जो मुझे विश किया। और गाइस मतलब जो बर्थडे का ब्लॉग है ना काफ़ी तबाही होने वाला है, बस आप लोग वेट करना आएगा। तो गाइस बाय बाय।